तो छोटा सा ब्लॉग था शिमला, एक दिन में आप कैसे ट्रैवल करें। हम वहाँ के दो चार लोगों से मिले जिन्होंने हमें रूम दिखाए, हम बस उन्हीं से मिलने गए थे और एक वहाँ पे चाय का कप पी लिया जो मैंने शिमला में पी, और आज की लाइफ की सबसे महंगी चाय मैं चंडीगढ़ से उठ के शिमला गया पीने, शिमला पी के वापस। क्या कि ना एक लॉस हो गया, नुकसान हो गया, वो नुकसान ही हो गया कि बहुत देखे ये खराब दुनिया वाले, अब हमें ये खूबसूरत दुनिया देखनी है। सो गाइस वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स काउंट किलोमीटर, चलते हैं दुनिया की सैर पे एक साथ। साल 2021 का ये आखिरी दिन हमने ट्रैवल के साथ शुरू किया चंडीगढ़ से, और हम आगे शिमला की ओर बढ़ रहे हैं। नए साल की शुरुआत होगी एक नए सफ़र के साथ। वैसे तो हम लोग शिमला पहले भी घूम चुके हैं, देखते हैं इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लास्ट टाइम बहुत सारी बारिश, बहुत सारी लैंडस्लाइड्स के साथ हम लोगों ने शिमला का सफ़र तय किया था। इस बार हम निकले हैं स्नोफॉल की तलाश में। हम लोगों का मोटिव ये है कि जहाँ भी हमें स्नोफॉल मिलेगी हम वहाँ रुकेंगे, और हमें गिरती हुई मतलब स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल देखना है। आज तक हम लोगों ने लाइव स्नोफॉल नहीं देखी है, तो चलो शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत बादल, और इन बादलों में छुपा हुआ हमारा खूबसूरत सा सूरज जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सामने हमारे बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स, शिमला की ओर बढ़ती हुई गाड़ियाँ, और शिमला की तरफ बढ़ते हुए हम, हमारे साथ चलता हुआ और चमकता हुआ ये सूरज हमारी दाईं ओर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट आज हमें ये नहीं दिखता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि शिमला में जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ बर्फ के मिलने के कम आसार हैं। और हम दिल्ली से दोबारा शिमला के लिए बाइक चला के अगर आए हैं तो उसका रीज़न यही है कि हम बर्फ़ देखना चाहते हैं। अजी इंसान की ख्वाहिशें हैं कि पूरी ही नहीं होती हैं, कभी सूरज से शिकायतें कर बैठते हैं तो वहीं चांद से खफा हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर टूटते हुए तारे से सो फरमाइशें कर बैठते हैं, अगर पूरी ना हुई तो उससे भी खफा हो जाते हैं। तो अब हम रुके हैं एक मैगी पॉइंट पे, मैगी तैयार है, साहिल धूप ले रहा है। साहिल, साहिल ये हम ऑन द वे टू शिमला हैं। शिमला यहाँ से आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर दूर है, ओनली 13-14 किलोमीटर दूर है शिमला यहाँ से। शिमला की तरफ तो बर्फ नहीं है, सो वी आर प्लानिंग फॉर नारकुंडा। ठंड है, धूप है, बस लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं हम। धूप बहुत अच्छी है, ठंडा मौसम है,
बट यार यहाँ आके ना एक लॉस हो गया, नुकसान हो गया। वो नुकसान ही हो गया कि यहाँ पे स्नो ही नहीं है, मतलब जिसके लिए हम सेकंड टाइम यहाँ पे बाइक से जर्नी करके आए थे वो इसलिए आए थे कि यार चल स्नोफॉल होगा, मस्त होगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉली मैगी खा रही है, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि कहाँ पे स्नो मिलेगी। चलो देखते हैं क्या, कुछ देर बैठ के अच्छा लगा यहाँ पे। कहते हैं ना कि रास्ते का भी इंजॉय करो यार। ठीक है शिमला तो पहुँच ही जाएंगे, शिमला से हम 12-13 किलोमीटर दूर। हालत थोड़ी ख़राब थी कल, हवा बहुत तेज लगी थी तो उसकी वजह से। पीछे रोड है, यह मैगी पॉइंट है, अच्छा है, मस्त बनाया। भैया को बोला है अदरक वाली चाय, तो चाय के तो हम वैसे फ़ैन हैं, अदरक वाली चाय चल रही है। सोच रहे हैं जाना कहाँ है, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मतलब सोचने का जिम्मेदारी हमारी, इनकी बस खाने की। मैगी खा रहे हैं वो भी कैसे, भूखा तुम भी खा लो। देखो मतलब हरी मिर्च भी तो खाने के लिए होती है यार, हाँ? सही यार, धोखा हो गया, नेचर ने धोखा कर दिया। धूप है इतनी तेज, रात को यहाँ पे तो शो कर रहा है -2 degrees। पता नहीं कैसे, क्योंकि दिन में तो देखो, अब पहाड़ देखो यार। तो मैं ना ये पॉइंट दिखाता हूँ सबको, वो वहां पे अपनी बाइक रही, अपनी जाने मन जो हमें कहीं भी ले जाती है। हाँ बाइक जाने मन है ना, आप जानो, आप जानो वो जाने मन है ना। तो यार अपडेट ये है, यहाँ पे हमने आधा घंटा तो स्पेंड कर लिया है, अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से शिमला की तरफ ही जाएंगे। नारकंडा दूर है यहाँ से, एटलीस्ट 2-3 घंटे दिखा रहा है बाइक से, तो 3 घंटे यार कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकता कोई भी। तो ऑफकोर्स वेट कर करके इवनिंग तक पहुँच पाएंगे, तो आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। अब हम आए हैं शिमला, शिमला ही जाएंगे, देखते हैं अगर उससे आगे पीछे कहीं जा सके तो, थोड़ा मशोबरा या कुछ अलग एक्सप्लोर कर सके तो विल ट्राई फॉर दैट टुडे। आज करेंगे कुछ कल का दिन करेंगे, संडे निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग। बाकी अगर कोई प्लान में चेंज हुआ तो बता देंगे। और यहाँ से एटलीस्ट 30 मिनट लगेंगे हमें शिमला जाने में, अभी हमने रूम भी बुक नहीं करा है, तो रूम भी वहीं जाके बुक होगा यार। वहाँ मैगी पॉइंट से सीधा रूम में देख के यही सोच रहे होगे ना कि मैं शिमला पहुँच चुका हूँ। रूम में तो है बट शिमला के नहीं, हमें रूम में चंडीगढ़ के, शॉक्ड हुए सब है ना, उसका एक रीज़न है। अरे यार जब से मैं और डॉली एक दूसरे को देखते हैं कि वो रीज़न याद कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत हंसी आ रही है अपने ऊपर, मेरे ऊपर ऑफकोर्स। मैंने सोचा शिमला में रूम मिल जाएगा जैसे मैं ऑफकोर्स हमेशा करता हूँ, बट 3 बजे हम पहुँचे शिमला, मतलब मैगी पॉइंट पर रुके, उसके बाद हम 3 बजे ऑलमोस्ट शिमला एंटर हो चुके थे। उसके बाद हमारी कश्मकश जद्दोजहद जिसको बोलते ना, वो शुरू हुई रूम ढूंढने की। ऑनलाइन जो रूम मिले 2 nights के लिए, 1 night के लिए अवेलेबल नहीं। और यार शिमला हम गए थे बर्फ़ के लिए, वहाँ बर्फ़ का कोई नामो निशान भी नहीं था, तो हमें 2 nights वहाँ नहीं रुकना था क्योंकि हम ऑलरेडी शिमला पहले घूम चुके हैं। फिर क्या था, बहुत ढूंढे, खुद भी जा के जहाँ बाइक नहीं जा सकती थी वहाँ पैदल जा के रूम ढूंढे। बट यार शिमला की ना एक चीज़ बहुत बुरी लगी, वो ये कि रूम 1 रात के लिए नहीं देंगे, 2 रात के लिए लो,
अब यार हम दो रात का करेंगे क्या? बहुत जूंडा नहीं हो पाया। 4:30 बजे डिसाइड किया कि वापस चंडीगढ़। अब सोचो यार, जिस रास्ते को कवर करा हमने टहलते टहलते राम राम से 7 घंटे में, वही रास्ता हम ऑलमोस्ट 4:30 घंटे में कवर कर चुके हैं रात के अंधेरे में। और भाई साहब ठंड अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो उंगलियां दिख रही है ना उस टाइम पे, मतलब ग्लव्स पहनने के बाद भी ये फोल्ड नहीं कर पा रहा था मैं, इतनी ज्यादा ठंड। फिर सोलन पहुंचे, फिर हमने सोचा कि यार चंडीगढ़ में तो एटलीस्ट रूम बुक कर लें, क्यों रिस्क लें। तो फिर हमने चंडीगढ़ का, सोलन में बैठे, आग जल रही थी वहां पे, वहां हमने ऑलमोस्ट 1/2 घंटा खाया पिया, उसके बाद हमने वहीं से रूम बुक करा, फिर आ गए हम चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आए फिर कांड। अब वहां होटल था होटल प्राइड, हमने अगोड़ा से बुक कर दिया। और अगोड़ा की ऐड नहीं कर रहा मैं, ऐड करने की अभी औकात नहीं है। तो हमने होटल बुक कर दिया। करने के बाद हम पहुंच गए होटल प्राइड में। अब वो कहते हैं कि भाई साहब हमारा तो हॉस्टल होटल पूरा फुल है। तर हम होटल प्राइड में पहुंच गए, वो कहते हैं कि ये गलत होटल है, हमारा दूसरा होटल बुक है। यार ठंड में बाइक से उतर के, लोडेड बाइक वहां से उतर के आप अंदर घुसते हो, 10 मिनट वहां गर्मी में बैठते हो, और उसके बाद आपको बोला जाता है भाई साहब आपका तो 2 किलोमीटर बाद है होटल। यार इतना गुस्सा आया उस टाइम पे, बट क्या करना है, रूम तो मतलब चाहिए था। फिर वहां से फिर से हेलमेट पहनी, फिर ग्लव्स पहने, फिर हम पहुंचे होटल, सॉरी प्राइड होम्स। तो उन्हीं का दूसरा था प्राइड होम्स। ये थोड़ा ऐसे आई गेस लोकेशन अच्छी है, मतलब गांव की तरफ है। हम बैक साइड से आए और फ्रंट साइड जो है वो सिटी की तरफ पड़ता है, बट यार क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है। शुरू ही तो करा है ना, तो आखिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो शुरू करेगा। बट यार देखो अभी ना, मतलब मैं ही बोलता जा रहा हूँ, कुछ कमेंट में भी बोलते यार, बाकी ये है बहुत थकावट हो रखी है। खाना मंगाया है, नहाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो खाना आता है तो मैं देखता हूँ उसकी वीडियो डाल दूंगा कैसा है, नहीं तो यहीं पे ब्लॉग को हम कर रहे हैं ख़त्म। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, शिमला एक दिन में आप कैसे ट्रैवल करें। हम वहाँ के 2-4 लोगों से मिले जिन्होंने हमें रूम दिखाए, हम बस उन्हीं से मिलने गए थे, और एक वहाँ पे चाय का कप पीने जो मैंने शिमला में पी, और आज की लाइफ की सबसे महंगी चाय मैं चंडीगढ़ से उठ के शिमला गया पीने, शिमला पी के वापस। सुबह 9 बजे निकले थे, रात के 9 बजे चंडीगढ़ वापस। तो जो कहते हैं कि हम एक दिन में नहीं जाना जाना कर सकते, हमें घूमने को है वहाँ पे, घूमने को कुछ ज़्यादा है नहीं, जितना था हमने कवर कर रखा था। तो हम एक ही दिन में आ गए चंडीगढ़ वापस। तो गाइज यार फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं डेली ब्लॉग्स तो नहीं कर सकता, बट हाँ वीकली या फिर वीकली ब्लॉग का मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि इतने तो आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ यार लाइक करो यार, प्लीज़। ओके, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है।